हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे दोस्तों रेजिस्टेंस, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे रेजिस्टर और टाइप्स ऑफ रेजिस्टर, और लास्ट में बात करेंगे सबसे मोस्ट टाइम की कंसेप्ट कलर कोडिंग की। दोस्तों इसके बाद के लेक्चर के अंदर हम लोग स्पेशली कलर कोडिंग के सब सम सॉल्व करेंगे, राइट। ये दोनों लेक्चर हम लोगों ने अलग इसलिए बनाए दोस्तों कि फ्यूचर में अगर आप लोगों को सिर्फ सम्स कैलकुलेट करने हो तो आप लोगों को डायरेक्ट वही वीडियो देखना होगा, राइट। आप लोग इस वीडियो के अंदर अभी जो मैं रेजिस्टेंस के बारे में सब बेसिक बात करूंगा वो एक बार आप लोग ध्यान दे के सीख लीजिए, फिर आपको कभी भी इसके अंदर कंफ्यूजन और डाउट नहीं रहेगा, राइट। तो हम सबसे पहले बात स्टार्ट करें तो व्हाट इज रेजिस्टेंस वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पे उसके दो टाइप्स दूंगा। ओवरऑल आप लोग रेजिस्टेंस को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, वन इज नेचुरल एंड सेकंड वन इज मैन मेड। दोस्तों आप जो भी चीज देखोगे, आपके आसपास आपके कपड़े हैं, प्लास्टिक, राइट, रबड़, कोई भी बॉल पेन या तो आपका पेज होगा, कोई भी चीज है आप लोग ले लो आपके आसपास की दुनिया की कोई भी चीज, उसमें राइट कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो 100% होगा ही, तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों नेचुरल रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस को दोस्तों हम लोग कभी भी नेग्लेक्ट या तो कम या तो ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वो नेचुरल रेजिस्टेंस होगा, राइट। तो अब हम बात करें इसके बेसिक की कि भाई रेजिस्टेंस कहाँ से आता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा, अवरोध मतलब कि रोकना। तो दोस्तों आपको वो पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम किस चीज को रोकने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर ऑब्वियस बात है हम लोग बात करेंगे करंट को रोकने की। तो दोस्तों अब करंट कहाँ से आया, तो करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेगा तो उसको हम बोलेंगे करंट। तो मतलब इसके बेसिक में कौन सी चीज रही हुई है, राइट, इसके बेसिक में हो गए इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कि दोस्तों अगर आप लोग दो अलग अलग सब्सटेंस लोगे, राइट, तो ऑब्वियस बात है मैंने आपको बताया था दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, अलग होगी, मतलब कि दोनों की इलेक्ट्रॉन को रोकने की जो रोकने का जो नेचर होगा वो क्या होगा, दोनों का अलग होगा। और स्टैंडर्ड 11 के मुताबिक 3/2 केबीटी, राइट, जो टेम्परेचर पे एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, उस एनर्जी के मुताबिक क्या होंगे, दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अलग अलग संख्या में क्या होंगे, फ्री होंगे, राइट। किसी मटेरियल का इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा फ्री होंगे तो उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, ज्यादा करंट पास होगा, मतलब कि उसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर दूसरे मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर कम होंगे तो उसमें करंट भी क्या होगा दोस्तों, कम होगा। तो मतलब इसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। तो मतलब कि रेजिस्टेंस मतलब क्या होना, हमारे इलेक्ट्रॉन को रोकना, मतलब कि किसी भी मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन वन एंड टू अदर एंड जब पास होगा, राइट, तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टिविटी के मुताबिक उसमें इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगा, थोड़ा रेजिस्टेंस अप्लाई होगा, मतलब कि वो उसके एटम्स क्या करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की ट्राई करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, देर से वहां पे पहुंचेगा, तो जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी उसकी ज्यादा होगी और रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। तो अब हम आगे बात करें तो दूसरा उसका टाइप्स होगा मेन मेड, मतलब कि हमने जो रेजिस्टेंस बनाया हुआ है वो, जिसकी हम लोग इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं दोस्तों, जिसको हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे, कार्बन रेजिस्टर और वायर वाउंड रेजिस्टर, राइट। तो वायर वाउंड रेजिस्टर में क्या होता है दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि उसमें एक बेस होगा, उसके ऊपर एक नाइक्रोम, राइट, नाइक्रोम कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन का वायर वाउंड होगा। अब दोस्तों मैंगनीन, नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटन, ये तीनों मटेरियल आपको पता होगा, तीनों मटेरियल क्या है दोस्तों, एलॉय, मतलब कि मिश्र धातु है, और इनके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी, इन तीनों की जो रेजिस्टिविटी होगी वो टेम्परेचर पे बहुत ही कम डिपेंडेंट होगी। तो दोस्तों इसका बेनिफिट या तो पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा कि अगर आप लोग इन तीनों मटेरियल में से अगर रेजिस्टेंस बनाओगे, राइट, तो आपका बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप कंपनी के अंदर और अगर जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, हाई होगा, वहां पे आप इस रेजिस्टेंस का यूज करोगे तो बेनिफिट क्या मिलेगा, उसके रेजिस्टेंस में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम चेंज होगी। अगर वैल्यू उसकी बहुत ही कम चेंज होगी तो बेनिफिट क्या होगा, उसके अंदर करंट और वोल्टेज में वेरिएशन कम आएंगे, राइट। तो उसमें वहां पे हम लोग यूज करेंगे वायर वाउंड रेजिस्टर का। और दूसरी बात करें हम लोग कार्बन रेजिस्टर, तो आप लोग जो कैलकुलेटर के अंदर, रिमोट कंट्रोल के अंदर, टीवी में, राइट, फिर ऐसे के अंदर, फिर आप लोग अलग अलग जगह पे टीवी के अंदर देखोगे, राइट, तो वहां पे जो रेजिस्टेंस यूज होता है, जो आप स्क्रीन में भी देख सकते हो, उस रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे कार्बन रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस को ग्रेफाइट और रेजिन को मिक्स करके बनाया जाता है। और कार्बन रेजिस्टेंस का बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, वो एकदम सस्ता और साइज में बहुत ही छोटा है, राइट। तो और उस रेजिस्टेंस का यूज हम ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी आइटम में करते हैं। अब हम आगे बात करें तो इन रजिस्टर के अंदर हम लोगों को पता होगा दोस्तों कि वो करंट को रजिस्ट मतलब रोकेगा। तो आप लोगों को एक विचार आया होगा कि अगर यहाँ पे ये रजिस्टर करंट को रोकता है तो हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं, राइट, क्योंकि उस मटेरियल के अंदर कहीं पे बोर्ड नहीं लगा होगा कि भाई यहाँ पे करंट को आना मना है, राइट। मैंने आपको बताया कि रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होगा कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, राइट, एक एंड से दूसरे एंड पर जाने, मतलब कि पास होने नहीं देगा, जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस। तो मैंने जैसे आपको बात की
कि अगर रजिस्टर करंट को रोकता है राइट, तो उस रजिस्टेंस को हम लोग बनाते क्यों है और इसको हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि नेचुरल रजिस्टेंस तो मैंने आपको बताया कि वो तो नेचुरल है, उसके अंदर हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन मेन मेड रजिस्टर है वो तो हम अपने मुताबिक बनाते हैं। तो फिर उसको बनाने का रीजन क्या होगा, तो उसका मेन रीजन होगा दोस्तों कि जहां पे आप लोगों को करंट ज्यादा आता होगा राइट, तो वहां पे आपकी सेफ्टी के लिए और आप कह सकते हो कि करंट को लिमिट करने के लिए हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। कई जगह पे आप लोग फ्यूज का यूज करते हो, तो फ्यूज की वजह से क्या होगा कि अगर करंट ज्यादा बढ़ जाएगा तो वहां पे फ्यूज क्या होगा, जल जाएगा राइट, और आपको सेफ्टी रहेगी। तो इसलिए हम लोग रजिस्टर का अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से यूज करते हैं। अब हम बात करें दोस्तों इससे कलर कोडिंग की, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसके अंदर टोटल चार बैन होंगे दोस्तों, चार से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में टोटल चार बैन होंगे राइट। तो इस रजिस्टर के ऊपर कलर कोडिंग का मतलब क्या हुआ, तो कलर कोडिंग की मदद से आप लोग इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो राइट। तब आपको एक दिमाग में विचार आएगा कि भाई इसकी डायरेक्ट वैल्यू इस पे क्यों नहीं लिखी होती, तो दोस्तों कई जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अंदर डिवाइस के अंदर जब रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज होता है तो आप लोग अपनी आंख से डायरेक्टली उसकी वैल्यू अगर इतनी छोटी होगी तो देख नहीं सकोगे राइट। तो कलर के हिसाब से आप लोग क्या करोगे, कैलकुलेट करके उसको बता सकोगे। दूसरा बेनिफिट क्या होगा दोस्तों कि आप जब मल्टीमीटर यूज करोगे, जो स्क्रीन में आप देख सकते हो इंजिंग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक डिवाइस है जो क्या करेगी, उसका रेजिस्टेंस डायरेक्ट मेजर करेगी, लेकिन जब लाइव सर्किट चालू होगी तब आप लोग वहां पे करंट या वोल्टेज मेजर करोगे, फिर ओम का लॉ अप्लाई करोगे राइट, वी इज इक्वल टू आई आर, मतलब आर इज इक्वल टू वी बाय आई। तो वहां पे क्या होगा दोस्तों कि वी और आई की आपको ओरिजिनल वैल्यू नहीं मिलेगी, क्या, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर चेंज होने की वजह से और वहां पे करंट पास होगा तो लंबे टाइम पे क्या होगा, वो सर्किट गर्म हो जाएगी, तो वहां पे रेजिस्टेंस आपको एक्चुअल और सही रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो आप अगर कलर कोडिंग को पकड़ोगे तो उसमें जो रेजिस्टेंस उसका जो ओरिजिनल होगा वो आप जान पाओगे, इसलिए हम लोग कलर कोडिंग का यूज कर रहे हैं राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को चार बैंड दिख रहे होंगे, चार बैंड और चार स्ट्रिप आप लोग बोल सकते हो। इसके अंदर दोस्तों खास ध्यान रखना, जो फर्स्ट स्ट्रिप होगी वो आपको रेजिस्टेंस का फर्स्ट डिजिट देगी राइट, देन सेकंड स्ट्रिप और सेकंड बैंड जो कलर का होगा वो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू का सेकंड डिजिट देगी। फिर उसका जो थर्ड बैंड होगा दोस्तों उसको हम बोलेंगे मल्टीप्लायर, मतलब उसमें आप लोगों को 10^2 कोई भी घात को, मतलब की पावर को राइट बताना होगा 10^2 करके, और उसको मल्टीप्लाई करना होगा। और उसका जो फोर्थ बैंड होगा उसको हम बोलेंगे दोस्तों टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब क्या होता है आप लोग गुजराती और हिंदी में बोल सकते हो, सहन शक्ति। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बात करता हूँ राइट, आप लोगों को खास सीखना होगा। टॉलरेंस मतलब क्या होगा दोस्तों कि जब टेम्परेचर चेंज होगा तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी दोस्तों, मैंने आपको बताया था इंक्रीज और डिक्रीज होगी राइट। तो अब जब इसकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होगी तो इसके करंट और वोल्टेज सभी पे क्या होगा राइट, प्रॉब्लम होगा, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो इस रेजिस्टेंस के अंदर जो चौथा बैंड दिया होगा वो आपको बताएगा कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू में टेम्परेचर के साथ कितना परसेंटेज में क्या होता है चेंजेस हो सकता है। अगर उसमें 5% दिया होता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसमें टेम्परेचर के साथ 5% का वेरिएशन आएगा। दोस्तों दुनिया में ऐसा कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है कि इसके अंदर 0% वेरिएशन आए राइट, किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर थोड़ा बहुत तो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन आएगा। तो इस टॉलरेंस का यूज करना होता है दोस्तों एक्यूरेसी जानने के लिए, अगर आपको कई जगह पे एकदम एक्यूरेट रेजिस्टेंस का यूज करना होगा तो वहां पे आप लोगों को बहुत ही कम परसेंटेज टॉलरेंस वाला रेजिस्टेंस यूज करना होगा, क्योंकि बहुत ही कम परसेंटेज टॉलरेंस का मतलब क्या होगा कि उसकी वैल्यू में बहुत ही कम चेंज होगा टेम्परेचर के साथ राइट। अब हम आगे बात करें तो ये जो चार कलर होंगे इसका पूरा कोडिंग होगा जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसकी मैं शॉर्टकट भी आपको बताने वाला हूँ, जिसको हम बोलेंगे बीबी रोय, खास आप ध्यान रखना बीबी रोय GBVG राइट। फिर इन सब कलर को मिक्स करके हम लोग उसको याद रखेंगे, लास्ट में कलर आएगा व्हाइट राइट, और बाकी के तीन कलर होंगे दोस्तों वो आपको स्पेशल टॉलरेंस बताएंगे, जिसको हम बोलेंगे गोल्ड सिल्वर और नो कलर। नो कलर का मतलब क्या होगा दोस्तों कि अगर जो चौथा जो बैंड होगा उसमें आपको कोई कलर ही नहीं दिया होगा, मतलब तीन ही कलर दिए होंगे, तो आप लोगों को बाय डिफॉल्ट चौथा कलर क्या लेना होगा, नो कलर राइट। अब गोल्ड का टॉलरेंस होगा दोस्तों 5%, मतलब कि आपके रजिस्टर के ऊपर अगर चौथा पट्टा और चौथा बैंड गोल्ड का होगा उसका मतलब कि उसकी वैल्यू में 5% ही ऊपर नीचे चेंज होगा राइट। सिल्वर का टॉलरेंस होगा दोस्तों 10% और नो कलर मतलब कि कोई भी बैंड नहीं दिया होगा तो उसका टॉलरेंस होगा 20%। तो सबसे अच्छा आप ही पहचान लो कौन सा होगा गोल्ड वाला राइट, उससे थोड़ा अच्छा होगा सिल्वर और सबसे खराब होगा नो बैंड वाला राइट और नो कलर वाला। अब हम आगे बात करें तो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग वीडियोस में कई सारी शॉर्टकट्स मिलेंगी, तो मैंने आपको शॉर्टकट बना के दी राइट, बीबी रोय GBVG, फिर इन सब का मिक्स आप याद रखोगे व्हाइट देन गोल्ड सिल्वर और नो कलर। दोस्तों एक ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे बी का तीन फुल बी का अलग अलग तीन कलर होगा राइट, ब्राउन होगा, ब्लैक होगा और ब्लू भी होगा। तो आप लोग कोई भी शॉर्टकट याद रखोगे आखिर में आप लोगों को प्रैक्टिस करके ही इन कलर को याद रखना होगा, रटना नहीं है राइट। तो इन सब के मैं फुल फॉर्म आपको बताता हूँ, सबसे पहले आएगा ब्लैक,
बी बी राइट, फिर बी मतलब दूसरा बी मतलब आएगा ब्राउन, फिर रोए मतलब रेड, ऑरेंज, येलो, जी बी वी जी, तो यहाँ पे आएगा ग्रीन राइट, फिर ब्लू, वायोलेट, फिर ग्रे, फिर व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। इन सब कलर को आप लोगों को इस शॉर्टकट से याद रखना होगा राइट। अब आप बाजू में देख सकते हो कि आप लोगों को खास ध्यान रखना होगा कि जो फर्स्ट कलर होगा दोस्तों वो जीरो से स्टार्ट होगा और नाइन तक जाएगा राइट, मतलब टोटल टेन होंगे लेकिन जीरो से नाइन होगा, फिर दूसरा भी जीरो से नाइन होगा, और तीसरा होगा दोस्तों टेन एस टू जीरो से लेकर टेन एस टू नाइन तक। और टोटल आप लोगों को सिर्फ तीन कलर के याद रखने होंगे, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर राइट। अब इसको यूज कैसे करते हैं उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, और बाकी के बहुत सारे मस्त एग्जांपल जो आपको किसी भी बुक या वीडियो में नहीं देखने मिलेंगे, वो एग्जांपल के लिए हम लोगों ने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप लोगों को देखना होगा राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक एग्जांपल, बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सपोज आप लोगों को फर्स्ट थ्री बैंड दिए हुए हैं रेड कलर के राइट, रेड कलर के, तो रेड कलर मतलब दोस्तों क्या होगा, बी बी रोए मतलब आर, तो आप लोगों को यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करना होगा राइट, जीरो वन और टू। तो फर्स्ट बैंड आएगा दोस्तों टू, सेकंड कलर भी जब रेड होगा तो दूसरा भी आएगा टू, तो हम लोग कितना होगा दोस्तों 22। अब थर्ड कलर भी रेड होगा तो मतलब 10 रेस टू कितना आएगा टू राइट, क्योंकि वो थर्ड कलर होगा लेकिन जीरो से स्टार्ट करोगे तो जीरो वन टू 10 रेस टू टू। तो और उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब कितना मिलेगा 22 इन मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू टू, मतलब कितने होंगे दोस्तों 2200। और अगर अगर जो उसका चौथा जो बैंड होगा वो अगर आपको गोल्ड दिया होगा तो मतलब उसमें टोटल कितना होगा दोस्तों 5% राइट, तो मतलब 2200 की जो वैल्यू होगी उसके अंदर 5% का क्या होगा दोस्तों इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो सकता है। उसका मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज 100 ओम का रजिस्टर होगा राइट, 100 ओम का, उसमें अगर 5% टॉलरेंस, उसका मतलब क्या होगा दोस्तों 100 का 5% कितना होगा 5, तो मतलब इस रजिस्टर की वैल्यू टेम्परेचर के साथ 95 से लेकर 105 तक क्या हो सकती है दोस्तों, वेरिएबल और चेंज हो सकती है राइट। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके सम्स को देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।